दोस्तों, जिस हिसाब से दुनिया धीरे धीरे उन्नत हुई है उसको देखकर हमें यही लगता है कि पुराने समय में लोग उतने ज्यादा उन्नत नहीं रहे होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका ऐसा सोचना गलत है तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? शायद नहीं करेंगे। मगर जिन रहस्यमय खोजों के बारे में आप आज जानने वाले हैं उसको देखकर आपका ये नहीं कब हाँ में बदल जाएगा ये आप खुद नहीं बता पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, स्टिक चार्ट्स। दोस्तों, अगर आप आज से हजारों साल पहले मार्शल आइलैंड्स के कोस्ट से पैसिफिक ओशन के अराउंड अपना रास्ता खोजना चाहते तो आपको एक स्टिक चार्ट की जरूरत पड़ती, और इस चार्ट को आज के समय में समझना बहुत मुश्किल है। उस समय इस स्टिक चार्ट्स का इस्तेमाल मार्शल्स के द्वारा अपना रास्ता पहचानने में किया जाता था, साथ ही वो इस ओशन के स्वेल पैटर्न्स को भी समझते थे। इस चार्ट में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के बीच रिलेशन भी बताया गया था। आपको बता दें कि इस तरह के स्टिक चार्ट्स को उस समय कोकोनट फ्रॉन्ड्स की मिड रिब से बनाया जाता था। इसके फ्रेमवर्क में लगाया गया हर शेल एक आइलैंड को रिप्रेजेंट करता था, और जो आइलैंड बड़ा होता था उसे दो स्टिक्स के जंक्शन से दिखाया जाता था, जिसके बारे में कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसको बनाने वाले लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते थे, ना कि कोई भी इंसान। नंबर 9, फर्स्ट रोबोट। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि दुनिया का पहला रोबोट कब बनाया गया होगा। अगर हाँ तो हम आपको बता दें कि रोबोट्स एक तरह के ऑटोमेटन्स होते हैं, जिसे कि एक ग्रीक वर्ड ऑटोमेटन से लिया गया है और इसका मतलब होता है एनिमेटेड। हमें ऑटोमेटन्स का सबसे पहला जिक्र ग्रीक माइथोलॉजी में मिलता है, जिसमें एक रोबोटिक सर्वेंट को दिखाया गया है। और अगर हम एक एंशियंट टेक्स्ट लाइट सी की माने तो उसमें एक आदमी को ऑटोमेटन शो परफॉर्म कराते हुए देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, उस आदमी का नाम यम जी था। इस टेक्स्ट को चाइनीज फिलोसोफर लाई युकु किंग मू ऑफ ज़ेयो ने लिखा था, जो कि आज से करीबन 3000 साल पुराना है। साथ ही उन्होंने बताया था कि यम जी का ऑटोमेटन गाना गा सकता था, डांस कर सकता था और अपने सिर को ऊपर नीचे भी कर सकता था। और तो और, इसे आर्टिफिशियल हेयर, टीथ, मसल्स और बोन्स का इस्तेमाल करके बनाया गया था। नंबर 8, हुआचा। दोस्तों, जैसा कि हम आजकल की मॉडर्न आर्मी के हथियारों को देखते हैं जो काफी एडवांस्ड है, और इसमें से ज्यादातर लोगों का फेवरेट है रॉकेट लॉन्चर। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉकेट लॉन्चर्स के जैसे कई वेरिएशंस का इस्तेमाल 16 सेंचुरी से किया जाता आ रहा है। ये एक कोरियन इन्वेंशन है और इसे कोरियन लोग अपनी भाषा में हुआचा बोलते हैं, जिसका इंग्लिश में मतलब फायर शैरियट होता है। और इस हुआचा की मदद से कोरिया ने 1590s में एमगेन वॉर के दौरान जापानीज आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इसके साथ ही कई सबूत ऐसे भी मिले हैं कि कोरियंस के पास ये फायर शैरियट्स वॉर के 100 साल पहले से मौजूद था, लेकिन ये बात अभी तक प्रूफ नहीं है। लेकिन इसकी बनावट की बात करें तो इसको एक टू व्हील्ड कार्ट पर बनाया गया था, जिसके ऊपर एक बोर्ड में कई सारे होल्स किए गए थे और इन होल्स में एरो को डालकर चलाया जाता था। ये हुआचा एक बार में 100 एरोस को फायर कर सकता था। नंबर 7, वॉलवेल। दोस्तों, आपने कभी ना कभी वॉलवेल पेपर मशीन्स के बारे में जरूर सुना होगा, जिसके बारे में कई मिथ्स फैले हुए हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये डेट और टाइम को कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये मशीन्स एब्सोल्यूट ट्रूथ को भी कैलकुलेट कर सकती थी। इसको 13th और 14th सेंचुरीज के बीच यूरोप के एक साइंटिस्ट और फिलोसोफर रैमन लल ने बनाया था। अगर हम इस पेपर मशीन की बात करें तो इसके डिजाइन और फंक्शन देखने में कुछ कुछ एस्ट्रोलैब्स के जैसे दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि लल फिलोसोफर होने के कारण अपने आप को एक रिलीजियस विजनरी के रूप में भी देखते थे, इसलिए उनका मानना था कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म एक ही रिलीजन है, जिसमें एक ही गॉड की वर्शिप की जाती है। दोस्तों, इसी के चलते उन्होंने अपने वॉल्वेल में कई जगह क्रॉस साइन का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसको आज से 300 साल पहले बैन कर दिया गया था, क्योंकि लोगों को लगता था कि इसका इस्तेमाल डार्क आर्ट रिचुअल्स के लिए किया जाता था। नंबर 6, बोल्ट। अब हम अपनी अगली मिस्टीरियस डिस्कवरी की ओर बढ़ते हैं, जिसको पहली बार देखने पर आपको लगेगा कि ये कोई मशीनरी का एक टूटा हुआ पार्ट है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है, क्योंकि ये पीस कोई आम पीस नहीं है, बल्कि करीब 300 मिलियन साल पुराना एक बोल्ट है, जिसे 1998 की गर्मियों के दौरान रशिया की एक साइट से खोजा गया था। दरअसल, जब रिसर्चर्स रशिया से मेटियोराइट फ्रैगमेंट्स को जमा कर रहे थे, तब उन्हें ये बोल्ट एक रॉक के बहुत अंदर दबा हुआ मिला था,
जिसके ऊपर रिसर्च करने से पता चला है कि ये हमारे प्लैनेट पर आने से पहले का ही नहीं बल्कि डायनासोर्स के समय से भी पुराना है। ये डिस्कवरी काफी यूनिक मानी जाती है क्योंकि पूरी दुनिया में कई जगह स्क्रूज, बोल्ट्स, गियर्स और कॉग्स एंशिएंट रॉक्स में दबे हुए मिलते रहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी फ्रैगमेंट इतना पुराना नहीं मिला है जितना कि ये है। नंबर 5, अनब्रेकेबल ग्लास। अब आप जिस डिस्कवरी के बारे में जानने वाले हैं वो एंशिएंट वर्ल्ड की कोई खास डिस्कवरी तो नहीं है, लेकिन इसको एक अनोखी तरह से रिस्पेक्टेड हिस्टोरिकल फिगर्स यानी कि पेट्रोनियस और प्लिनी के जैसे ही बनाया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एंशिएंट रोमन्स इंडिस्ट्रक्टिबल फ्लेक्सिबल ग्लास को बनाने में कैपेबल थे, लेकिन टिबेरियस सीजर के समय से ही हमें अनब्रेकेबल ग्लासेस के बारे में कई एंशिएंट रोमन टेक्स्ट में सुनने को मिलता है और उस समय के एम्परर भी इस तरह के ग्लास के दीवाने थे। कहा जाता है कि इन ग्लास को जिस मटेरियल से बनाया जाता था वो उस समय गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल था और रोमन्स इस तरह के ग्लास को बनाने के लिए बोरिक एसिड का इस्तेमाल करते थे जिसे कि एक स्टैंडर्ड ग्लास मिक्सचर में ऐड किया जाता था और इस तरह के ग्लास को बनाया जाता था, लेकिन इस तरह के ग्लास को बनाना काफी ज्यादा मुश्किल था। नंबर 4, पॉइजन रिंग। दोस्तों, इंसानों को हमेशा से ज्वेलरी पहनना काफी ज्यादा पसंद रहा है और उसमें रिंग सबसे ज्यादा कॉमन ज्वेलरी है, लेकिन आज हम आपको ऐसे रिंग के बारे में बताने वाले हैं जिसको कि आज से करीबन 10,000 साल पहले बनाया गया था। इस रिंग को आर्कियोलॉजिस्ट ने 2012 में केप ऑफ कलियाक्रा नाम के एक ओल्ड मेडिवल फोर्ट्रेस से डिस्कवर किया था, पर हैरानी की बात तो यह है कि इस रिंग में एक छोटा सा होल था और शायद उस होल का इस्तेमाल रिंग स्टोन लगाने के लिए किया जाता होगा, लेकिन इस रिंग में कोई भी रिंग स्टोन नहीं मिला। साथ ही इस रिंग के बारे में कई लोगों का कहना है कि इस रिंग में मौजूद छोटे से होल का इस्तेमाल डेडली पॉइजन को रखने के लिए किया जाता था जिससे एनिमी को बिना पता चले उसके खाने में जहर मिल जाता था। नंबर 3, वेल। इसके बाद अब हम आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल वेल के बारे में बताने वाले हैं जो कि 16 सेंचुरी के आर्किटेक्चर और डिजाइन का एक मिरेकल माना जाता है, और ये वेल इटली के पोज्जो डी सैन पेट्रिशियो में मौजूद है। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा वेल एक क्लिफ के किनारे बना हुआ है और इसको अर्ली 1500s में पोप क्लेमेंट 7 के ऑर्डर पर बनवाया गया था क्योंकि उनको डर था कि अगर उनको किसी आर्मी ने चारों ओर से घेर लिया तो वो कहां जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस 170 फीट गहरे वेल को बनवाया था जिसमें करीबन 70 विंडोज और कई डुअल स्टेयरकेस मौजूद हैं। इस मॉन्यूमेंटल वेल को बनाने के लिए एक पूरे डेकेड का समय लगा था जो कि आज भी एक्सीलेंट कंडीशन में मौजूद है और ये सच में एक आर्कियोलॉजिकल वंडर से कम नहीं है। नंबर 2, तूतनखामून्स बेड। दोस्तों, किंग तूतनखामून एंशिएंट इजिप्ट के कोई सिग्निफिकेंट रूलर नहीं थे, लेकिन इनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं और 1920s में जब इनके एक अनटच्ड टूम को हॉवर्ड कार्टर ने डिस्कवर किया था तो उनके बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई थी, जिसमें से एक ये भी थी कि किंग तूतनखामून रात को वर्ल्ड्स फर्स्ट फोल्ड आउट कैंपिंग बेड पर सोते हुए बिताते थे जो कि आज से तकरीबन 3300 साल पहले किसी टेक्नोलॉजिकल मार्वल से कम नहीं था। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इनके टूम को खोला तो उन्हें ऐसे 5 बेड मिले, लेकिन उसमें से एक बिल्कुल अलग था। वो सबसे अलग वाला बेड सबसे छोटा था जिसकी ऊंचाई जमीन से बहुत कम थी, साथ ही इसको 3 सेपरेट मूविंग पीसेस से बनाया गया था जिसे कि जेड शेप में फोल्ड किया जाता था, लेकिन इसका इस्तेमाल सोने का अलावा किस लिए किया जाता था ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 1, वज्र। दोस्तों, वैसे तो हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म रिलीजन एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन इनकी कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं जो कि काफी हद तक सेम हैं, और उन्हीं में से एक है वज्र जो कि कई गॉड्स के द्वारा यूज किए जाने वाला वेपन है, और वज्र का सबसे पहला जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। अगर हम एटिमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें वज्र के बारे में दो तरीकों से जान सकते हैं और दोनों ही संस्कृत से निकल कर आते हैं। इसका पहला मतलब है लाइटनिंग और दूसरा मतलब है डायमंड, और ये दोनों वर्ड एक ऐसे वेपन की ओर इशारा करते हैं जिसमें इररेजिस्टिबल फोर्स मौजूद होती है। साथ ही इंडियन ट्रेडिशन में वज्र को यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल वेपन माना जाता है, इसलिए वज्र में बिलीव करने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।